खाना दो खाना दो, भूख लगी है खाना दो, मम्मी मम्मी खाना दो, भूख लगी है खाना दो। अरे क्यों कलेश कर रखा तुम दोनों ने, एक तो तेरे बाप ने गांव में लाकर पटक दी, ऊपर से ये चूल्हा नहीं जल रहा। मैं तो परेशान हो गई बहुत, मैं कर रही हूँ ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ दो दो चम्मच पानी पी लेते इसमें डाल के। मेरे को भी यही बात ठीक लग रही है, खाना नहीं मिलने वाला आज। पता नहीं कैसी भुखड़ औलाद पैदा कर दी है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। का ना दे दो, नहा धोना तो सीखा ही नहीं है। मैं सही हूँ, नहा धो के मस्त गर्मा गर्म खाना खाऊं। अरे ये क्या कर दिया? वो मेरा हाथ हिल गया था थोड़ा सा। तुम्हारा तो हाथ हिला है, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगी। अरे एक तो झूठ बोल के गांव में ले आए, क्या कह रहे थे, छुट्टियां हो जाने दे, तेरे को वहां घुमा के लाऊंगा, तेरे को वहां घुमा के लाऊंगा, और मुझे गांव में पटक दिया लाके। ऊपर से इनका कलेश, ये भूख की मारी देखो कैसे कर रहे। ये आग पहले ही नहीं जल रही थी, ऊपर से तुमने लकड़ियां गीली कर दी, अब तो बिल्कुल नहीं जलेंगी। अब मैं कैसे खाना बनाऊं? ऐसा है मैं बना ही नहीं रही, तुम बनाओ, खुद ही बना लो, मैं तो चली। बेटा एक काम करते हैं आज। क्या? हम लोग ना डाइटिंग करते हैं। और कोई ऑप्शन है इसके अलावा? हाँ। क्या? आज हम बगैर खाने के रह लेंगे। भाई मेरे से तो भूखा नाराज है। तो और क्या गोबर खाएगा अब? तू खा ले गोबर। ये ये ये। गले दे विच पाई जरा टोलिया, खिच के डगे ते डगा लाई जरा टोलिया। शहर की नौकरी अच्छी लगी, पपलू बन गए वहां जाके। देखो चूल्हे पे खाना भी नहीं बनाना आ रहा। करो करो लगे रहो, मैं भी नहीं लाने वाली गैस सिलेंडर, समझे, मरो भूखे। दुनिया तन्यारा रे मेरा गांव देखियो लागे सगन। पापा कब तक ये ओएस से पेट भरते रहोगे? इन ओएस खाने से पेट नहीं भरेगा, रोटी खाएंगे तभी पेट भरेगा, क्यों भाई? हाँ, और अगर हम ओएस खाएंगे तो हमारा पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाओगे तो पैसे खर्च होंगे, पता है ना आपको? तो पापा एक छोटा सा काम ही तो करना आपको। ओए नहीं नहीं, मेरे को रोटी बनानी नहीं आती, मैं रोटी वोटी नहीं बनाऊंगा। अरे पापा आपको रोटी बनाने थोड़ी कह रहे हैं, हम तो आपको मम्मी को बनाने के लिए कह रहे हैं, आपको बस एक छोटा सा सॉरी बोलना है मम्मी को, फिर यहाँ मटर पनीर की सब्जी खाएंगे। अबे तुम पागल हो क्या? मूछों की लड़ाई है, मूछे नीचे नहीं होंगी, वो माफी मांगेगी। अरे पापा मैं सच बता रहा हूँ, इन मूछों के चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे, हम इस धरती पर रेंगते फिरेंगे। अरे मूछे गई बाहर में, आप चलो ना मम्मी को मनाओ ना, खाना नहीं खाना क्या आपको? ठीक है बेटा, मूछे तो नीचे कर दी। हाँ। पर एक ही शर्त पे जाऊंगा माफी मांगने। बताओ क्या? सारी शर्त मंजूर है, क्यों भाई? तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? साथ चलेंगे। हाँ। वैसे क्या दिक्कत है अकेले में, अकेले जाओ क्या दिक्कत है? अरे वो पता नहीं क्या ईंट बेलन चिमटा क्या फेंक के मार देगी, पता थोड़ी है, तुम लोग साथ रहोगे ना मेरी हिम्मत बनी रहेगी। हिम्मत, चलो कोई नहीं, अब चलो हम आते हैं। हाँ हम भी साथ चलते हैं आपके, चलो चलो चलो। ओह नो, ए हट, मैं नहीं जा रहा। अरे पापा हम तो ओएस लेने जा रहे थे, आप जब तक मम्मी को मनाते हम ओएस खा लेते। ठीक है तुम ओएस खाओ, जब तक मैं बीड़ी पी रहा हूँ बैठ के। अरे पापा क्या क्या बीड़ी में रखा है, क्या ओएस में रखा है, एक काम करते हैं साथ चलते हैं और मम्मी को मनाते हैं, और फिर मटर पनीर की सब्जी और साथ में टिंडी की इधर के रोटी खाएंगे। ठीक है लेकिन तुम लोग साथ चलो, आगे चलो फिर भाग जाओगे। भाई तेरे को क्या लगता है पापा मम्मी को मना लेंगे? भाई मेरे को तो एक ही चीज लग रही है, पूछ क्या? क्या? सीधा बेलन पड़ेगा मुंह पे आके। फिर तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। खाना कुछ भी नहीं मिलेगा, थप्पड़ मिलेंगे थप्पड़। चल पापा को पकड़ लेते हैं, आगे लेके आते। चलो पापा चलो चलो, मना के रहेंगे मम्मी को आज। मटर पनीर भी तो खाना है।
हुआ बहू, खाना नहीं बना? नहीं माँ जी, कहाँ से बनाती रोटी, पानी गिरा दिया उन्होंने। ये तो शुरू से है ही निकम्मा, एक काम संवारेगा 10 बिगाड़ेगा। तेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझे मालूम है तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा बनाती है कि मैं खा ही नहीं पाती। अरे चलो ना पापा, मम्मी को ही तो सॉरी तो बोलना है। चलो चलो, खाना नहीं खाना। गुर गुर गुर। तू ऐसा काम कर, अपने लिए रोटी बना ले और मेरे लिए रोटी बना दे। इनको रहने दे भूखा, दो चार दिन भूखा रहेंगे ना तो अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सही कह रहे हो माँ जी, मैं इनके लिए खाना बनाऊंगी नहीं। और ये दोनों निकम्मे, इन्होंने मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा था, प्लेटें पीट पीट के। अब मैं खाना बनाऊंगी नहीं, ठेंगा खा लो। तू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ। रहने दे इनको भूखे दो चार दिन, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे वाह पापा, हमारी मम्मी तो मम्मी। आपकी मम्मी माशाल्लाह, मतलब हमारी मम्मी को ही चढ़ा दिया, हमारे लिए ही खाना नहीं बनेगा अब। वाह पापा वाह। मतलब आज हमें खाना नहीं मिलेगा? पापा आपके तो दोनों ही सिक्के खोटे हैं। मतलब तुम दोनों? अरे हम दोनों क्यों, वो दोनों, एक हमारी मम्मी एक आपकी मम्मी, ये मम्मी मम्मी हमारी मम्मी बनाएंगी। मम्मी मतलब जो डेड बॉडी को मम्मी कहते हैं? हाँ हाँ, वो हम बनेंगे, वो हम बनेंगे। तो डरा मत। अच्छा आप एक काम करो, आप बहुत हो गया ये, अब आप फटाफट जाओ और या तो गुस्से में जाओ या फिर आराम से जाओ, सॉरी बोलो या गुस्सा दिखाओ, मना के दिखाओ, ठीक है? और हाँ, सॉरी बोल कर ही लौटना, क्योंकि हमें खाना है खाना। इस पापी पेट का सवाल है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है पापा? पेट भी गया, मुझ भी जाएंगी अभी तो, आप भी जाओ, चलो। डरना मत। नहीं नहीं, हम नहीं डरेंगे। अबे ये बुड्ढा भाग गया, इसके दिमाग में हो गई है क्या, इसको खाना नहीं खाना, भूखा मरेगा और हमें भी मारेगा। अबे ये बुड्ढा तो बीड़ी पी पी के पूरा दिन काट लेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। सही कह रहा है, तो अब खाने का जुगाड़ कैसे करें? खाने का जुगाड़, अरे हाँ, मेरे स्मार्ट माइंड में एक स्मार्ट आइडिया आया है। हाँ, बस माइंड भी है, तेरे को नहीं पता था? नहीं है। अब तू मेरा आइडिया सुन, एक काम करते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो भी पिज्जा। यहाँ पर गांव में तेरा बाप पिज्जा डिलीवर करेगा। वो देख बाप तो भाग गया, तूने देखा नहीं क्या, तो बाप कैसे डिलीवर करेगा, पिज्जा डिलीवरी बॉय डिलीवर करेगा पिज्जा। अच्छा, पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करता है? हाँ, तेरे को ये भी नहीं पता था? भाई तेरे को बोल दिया एक बार कि गांव में पिज्जा नहीं आता, पता नहीं तेरे को? अब क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है वैसे। देख क्या आइडिया है? देख हम ना जाकर सो जाते हैं, अगर हम सोएंगे तो भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या बोलता है? वैसे आइडिया अच्छा है, पता नहीं चलेगा भूख का, चल सोते हैं। अरे भाई गांव में रहना भी कितना मुश्किल है ना, यहाँ पिज्जा तक डिलीवर नहीं हुआ, भूखे मर गए। हाँ भाई सही कह रहा है। चल अब एक काम करते हैं, फटाफट सो जाते हैं, वैसे भी 2 दिन बाद हमें घर तो जाना ही है। अबे 2 दिन बाद घर क्यों जाएंगे? अरे तुझे नहीं पता क्या, अनअकैडमी एमर शुरू होने वाला है, वो भी 27 नवंबर से 29 नवंबर तक, फॉर 10th एंड 12th ऑन CBSE टर्म्स, 90 मिनट के MCQs होंगे। अच्छा तभी तो इतनी पढ़ाई कर रहा है। वैसे प्राइजेस क्या क्या मिलेंगे? स्कॉलरशिप है वो भी पूरे 50 लाख की, और 22 नवंबर से 26 नवंबर तक हर रोज मिलेंगे सरप्राइजेस बॉक्सेस, और टॉपर्स को मिलेगा 1-to-1 काउंसलिंग आल्सो। अब एक काम कर, तू भी एनरोल कर और पढ़ाई ढंग से कर। अरे हाँ हाँ भाई, मैं तो देखियो तू टॉप ही करूँगा। कैसे करेगा टॉप, डाउट्स क्लियर हैं तेरे? ना ही तो तू लकी विनर बना, और डाउट्स क्लियर करके तू लकी विनर बन सकता है हर रोज, और 10 से ज़्यादा डाउट्स पूछ के और फीडबैक शेयर करने पर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी फ्री। मतलब अब क्वेश्चंस पूछो और प्राइजेस जीतो और फिर एमर्ज में टॉप भी करो। लिंक फॉर AAD इन द डिस्क्रिप्शन। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त अगर कुछ भी डाउट आता है तो तुरंत AAD पर जाओ और पूछ लो, यू विल गेट द सॉल्यूशन इन मिनट्स, बहुत आसान है। हाँ भाई अब मैं भी तेरा बहुत पढ़ाई करूंगा। अच्छा ठीक है, मेहनत तो कर लियो, अब फटाफट सो जाते हैं भाई, मतलब भूख के मारे मर जाएंगे। हाँ भाई सही कह रहा, सो जा सो जा सो जा।
अबे यार इसके खराटों ने भी परेशान कर दिया, एक तो मेरे को वैसे ही नींद नहीं आ रही यार, भूख लगी है बहुत तगड़ी, क्या करूं। अरे हाँ ये तो गांव है, यहाँ तो सब्जियां भी लगाते हैं। अरे हाँ पीछे लगी तो भी है, एक काम करता हूँ कच्ची सब्जियां ही खा जाता हूँ आज तो, ये आइडिया सही है, अभी जाता हूँ पीछे और कच्ची सब्जियां खा लेता हूँ, मेरा तो पेट भर जाएगा, इसको पड़ा रहने देता हूँ। ये रही हरी हरी सब्जियां, अब एक काम करूंगा सारी की सारी खा जाऊंगा, पत्ते भी नहीं छोड़ूंगा पत्ते भी, बहुत जोर की भूख लगी है, वो खाता हूँ पहले। पहले इन्हें खाऊंगा, किसको खाऊं पहले, इस वाली को खाता हूँ। इतनी छोटी सी, इसमें मेरा क्या हुआ, चलो कोई नहीं छोटी है तो क्या हुआ, पहले मैं अब इसे खाऊंगा, अब तेरे को मैं खाऊंगा। मेरे को क्यों खाओगे अंकल, आप भी खाओ ये खा लो, तुझे पता है कितनी मेहनत से उगाई थी मैंने ये, और तू इनको खराब कर रहा है। नहीं 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 मैं आपकी सब्जियां बिल्कुल खराब नहीं कर, ये लो छोड़ दी मैंने, तेरे को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया बदतमीज, बेटा आज तो बच गया तू, अगली बार फंसियो तेरे को ना कच्चा चबा जाऊंगा। शुक्र अंकल चले गए, वरना इस नन्ही सी जान क्या जान ही निकाल दी थी, ये अंकल बस दिखने में छोटे हैं और ना बहुत खतरनाक है, बहुत तेज भागते हैं। अंकल मैराथन में जाओ, मिल्खा सिंह को फेल करोगे आप, हाँ वापिस ना जाए। बच गया, अबे यार भूख के मारे बिल्कुल पेट दर्द करने लग गया अब तो, एक बार चेक तो कर लेता हूँ अब तो ऑर्डर हो ही जाए। अबे ये क्या, यहाँ तो पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, मतलब यहाँ डिलीवर हो सकता है, एक काम करता हूँ इसको, हाँ इसको क्यों उठाऊंगा मैं, अकेला अकेला ऑर्डर करूंगा और खा जाऊंगा, मरेगा भूखा सारा, झूठ बोल रहा था ऑर्डर नहीं आ रहा। ये क्या, मेरे पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं है, सारे खत्म हो गए, अब पिज्जा कैसे मंगवाऊं। अबे इसी को तो उठाऊंगा मैं, आखिर मेरा भाई है, मेरे भाई के बिना अकेला पिज्जा थोड़ी खा सकता हूँ मैं, दोनों भाई मिलके खाएंगे। असर ही नहीं हुआ, आज मैं जान नहीं रही क्या। बुड्ढे, अरे भाई तू है क्या, हाँ मैं हूँ। अबे तुम्हारा क्यों, हाँ अबे तू तो कह रहा था पिज्जा ऑर्डर नहीं हो रहा गांव में, ऑर्डर तो हो रहा है यहाँ, हो रहा है क्या, हाँ ऑर्डर हो रहा है, दिखा, दिखाऊं क्या, तेरे फोन से ऑर्डर कर सीधा, कर ऑर्डर कर, तेरे फोन में क्या हुआ, मेरे फोन की बैटरी लो, बैटरी लो, स्विच ऑफ है, तू ऑर्डर कर तेरे फोन से, मेरे फोन से, हाँ कर कर ऑर्डर कर भाई, अच्छा हुआ तू था, वरना मेरे को लगा पापा है, मैं सपना देख रहा था कि हमें खाना नहीं मिला और पापा आके मेरे को, बकवास मत कर तू, पिज्जा ऑर्डर कर, मजा आएगा इसके पैसों से पिज्जा खाऊंगा। क्या हुआ करना भाई, पैसा इल्ला है, पैसा इल्ला है तो पिज्जा कैसे मिल रहा है, भाई मेरे को लगता है पापा के पास पैसा मिल रहा है, तो जल्दी यहाँ से हिल्ला है, चल चल। पापा, अबे तुम फिर आ गए, मैं किसी से कोई माफी वाफी नहीं मांगूंगा, पहले बता रहा हूँ। आपको माफी मांगने के लिए बोल कौन रहा है, तुम दोनों, नहीं हमने कब बोला, हम आपकी मूंछों का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, आपकी मूंछों को नीचे थोड़ी होने देंगे, इनको ऊपर रखेंगे। तो इसका मतलब मेरे लिए रोटियां बना रहे हो, अरे
नहीं पापा, रोटियां थोड़ी बनाएंगे हम। अरे पापा, हम क्यों बनाएंगे रोटी? अब हमारे गांव में पिज्जा भी डिलीवर होगा और हमारे घर पर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे गांव में हाँ पिज्जा। हाँ, वाह। अरे वाह, क्या ऑर्डर करो ना। देखो बेटा, साफ स्पष्ट बात है, मैंने तो आज अपना पेट भर लिया बीड़ी पी के, अब तुम लोग अपना देख लो। अच्छा पापा, मतलब अपना पेट भर गया, ठीक है, बच्चों का कुछ नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं आपको? मतलब पापा, आप चाहते हो आपके बच्चे भूखे रहे? नहीं पापा, नहीं। मतलब पापा, आप क्या चाहते हो? आपके बेटे भी अब बीड़ी पी पी के पेट भरे? मतलब क्या चाहते हो आप, हम बीड़ी पीना शुरू कर दे? क्यों भाई, चल बीड़ी पीना शुरू करते आज से ही। हाँ तो पापा, लाओ एक बीड़ी मेरी, तो जल्दी। तो हाँ, तो ठीक है, एक बीड़ी मेरी भी लगा लो, आ जाओ। ना 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 ना, बीड़ी बीड़ी नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 600 रुपए बचा के रखे हैं, बुध बाजार से जारा की जैकेट लेके आऊंगा इन सर्दियों में। तो पापा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी जारा की जैकेट भी आएगी और हम पिज्जा भी खाएंगे। वो कैसे? देखो पापा, पिज्जा की टाइमिंग होती है 30 मिनट, 30 मिनट के बाद मिलता है वो फ्री। अब 30 मिनट में पिज्जा यहाँ डिलीवर तो हो नहीं सकता, क्योंकि गाँव है बहुत दूर। अगर बाई चांस डिलीवर होने वाला भी हुआ तो उस पिज्जे डिलीवरी बॉय को पूरे गांव की गलियों में ऐसे घुमाऊंगा कि उसको उसकी नानी याद दिला दूंगा। तो पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर होगा नहीं, और सारे के सारे पैसे आपकी जेब में, पिज्जा फ्री, और आपकी जारा की जैकेट भी आ जाएगी और पिज्जा भी फ्री में मिल जाएगा। मेरा एक दिल कर रहा है। क्या हो? क्या? तुम जैसे 2-4 बेटे और पैदा कर लूंगा। नहीं पापा, हम एंटीक पीस है, देखो ऐसा। बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर पिज्जा बढ़ जाएंगे। देख लो, 600 से 1200 हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतने में ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा तो फटाफट से ऑर्डर करो ना। मैं करता हूँ। अरे मैं करता हूँ ना, आपकी तकलीफ उठा रहे हो। एक ही करियो। एक नहीं, पूरे 5 करूंगा। हो गए भाई ऑर्डर। डन, हो गया ऑर्डर। अब पिज्जा किसी भी टाइम आता होगा। बेटा आएगा तो तब, जब मैं उसे आने दूंगा। अरे पापा, ये काम आप नहीं, ये काम मैं करूंगा, उसको घुमाऊंगा मैं। मैंने ये पापा के पैसे बचाने का ठेका उठा तो लिया, अब मैं उस डिलीवरी बॉय को घुमाऊंगा कैसे गांव में? मेरे को तो गांव का कुछ भी नहीं पता, क्या करूं? ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। अंकल, अंकल इधर। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर। तू तो वही है ना जो सब्जियां खराब कर रहा था? अरे अंकल सॉरी, आज के बाद सब्जियां खराब नहीं करूंगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो आप। काम? कैसा काम? आपको इस पूरे गांव का पता है ना, मतलब हर एक गली का? मैं इस गांव का चप्पा चप्पा जानता हूँ। बस तो फिर हो गया काम। यहाँ आएगा एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, उसको मेरे को गांव की हर एक गली में घुमाना है, बिल्कुल हर एक गली में। उसको ऐसा घुमाऊंगा कि वो हमारा घर ढूंढ ही नहीं पाएगा। बस तो फिर यही तो चाहिए। ओ, ये लो, फोन भी आ गया। हेलो सर, मैं पिज्जा वाला बोल रहा हूँ, आप अपनी लोकेशन बताना। लोकेशन कहाँ बताऊँ, कहाँ बताऊँ? बोल, मंदिर के सामने है, मंदिर के सामने। मंदिर के सामने? मंदिर के सामने कर रहे हैं सर, मैं मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ। मंदिर के सामने हो? अरे ये तो मंदिर के सामने है। राइट बोल रहा हूँ। अरे मंदिर के सामने थोड़ी बोला मैंने, मैंने बोला है कि राइट वाली गली में, राइट वाली गली में हमारा घर, उसमें आ जाओ, ठीक है? ओके। ये लो आपका पिज्जा। पिज्जा तो ठीक है, पैसे? सर किस चीज के पैसे? आधे घंटे में तेरे को आना था, तू आया 2 घंटे में, आधे घंटे से ज्यादा अगर तू लेट होगा तो पिज्जा होगा फ्री। चल अब पैसे निकाल। सर वो ना, ये गांव बहुत दूर है और किसी ने फोन में घुमा घुमा के पागल कर दिया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उस चीज का मेरे को कोई ठेका नहीं है तेरा। एक बात बता, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अगर मेरे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? चल अब पैसे निकाल। सर सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। कोई सॉरी वरी नहीं चलेगी, चल तू पैसे निकाल फटाफट। मैं बनाता हूँ तेरा सर, कंप्लेन करता हूँ तेरी अभी।
सर कर रहा हूँ कर। ये लो सर, हो गए। हो गए? हाँ सर। चल अब निकल 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 निकल। आज तो फ्री का पिज्जा खाऊंगा, मजा आ गया। मतलब क्या दिमाग है बेटा तेरा। अरे छत पे किस लिए लाए हो? हाँ ये तो बताओ बेटा, किस लिए लाए हो यहाँ पे? अरे अम्मा, इसने तो कुछ रोटी वोटी बनाई नहीं, अब क्या भूखे मरते, तो मैंने ही कुछ मंगा के खाने का बंदोबस्त करवाया है। वो देखो पापा। पिज्जा मंगवाया, पिज्जा। मजा आ गया। दादी आपको पता है ये क्या है? क्या है? ये जैसे आप रोटी खाते हो ना, ये थोड़ी मोटी रोटी है। ओ, मैं खा लूंगी ना। अरे आप ये खाओगे फिर सारे लपेटोगे, हजम भी हो जाएगी। हजम आप छोड़ोगे ही नहीं इसको। हाँ। अरे पागल, सीधा सीधा बोलना, पिज्जा है। अबे दादी को क्या पता पिज्जे का। दादी आप खाओ, ये पागल है। चलो 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 चलो, पहले आप खाओ। सुनो सुनो सुनो। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना बड़ा दिल आया कहाँ से जो इतने पिज्जे मंगा लिए? हाँ, वो आदमी जो चमड़ी तो जाए दमड़ी ना जाए, तो वो इतना पैसा पिज्जा के ऊपर कैसे खर्च कर लगे, तो जानने वाली बात है भाई। अरे मम्मी दादी, ये फ्री का है, फ्री का, लपेटो। अरे भाई, जिसकी वजह से मैं घुमाने में उस पिज्जा वाले को कामयाब हुआ ना, उसको तो खिला के आऊं। अरे अंकल, आप भी खाओ ना पिज्जा। पिज्जा? हाँ। ये क्या होता है? अरे अंकल, ये वही तो है जिसको हमने घुमाया था, पिज्जा डिलीवरी बॉय को, फ्री में जो आया था। अच्छा, फिर तो मैं इसे अभी लपेट दूंगा। तो खाओ खाओ खाओ, ले लो ले लो। अरे भाई, तू इतना अच्छा कैसे है, इतना टैलेंटेड, इतना केयरिंग। भाई तू मुझे अपने जैसा बना देना। अरे भाई, तुझे नहीं पता मैं कैसे 0 सब्सक्राइबर से 1.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर पे पहुंचा हूँ। बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो भाई मुझे भी बताना अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में। भाई अगर तुझे जानना ही है मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में, तो तू एक काम कर। तो मैं 29 नवंबर को लाइव आ रहा हूँ अन अकेडमी के लाइव सेशन पर, जहाँ तू और मेरे जितने भी फैंस हैं वो वहाँ ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और हाँ, मैं भी बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपनी इस जर्नी के बारे में, और आप लोगों को इंस्पायर भी करना चाहता हूँ। ओह ग्रेट, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ इस सेशन को? अरे सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें एनरोल कर ले और फिर लाइव सेशन में मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हो। सुमित भयान कोड यूज करके सेशन को अनलॉक कर दो और क्लिक ऑन नोटिफाई टू एनरोल। अच्छा ये सब बातें तो ठीक है, अब चलो छत पे चलते हैं और सबके साथ मिलके पिज्जा खाते हैं। यहाँ क्यों खड़े हो फालतू में, चलो। सब दुनिया तन्यारा रे मेरा गाम देखियो। हे गाइस, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन है उस पर दबाकर। और हाँ गाइस, अन अकेडमी एमर्ज पर एनरोल करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे लाइव सेशन को जरूर 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 ज्वाइन करना। सुमित बयान कोड यूज करके सेशन को अनलॉक करें और क्लिक ऑन नोटिफाई टू एनरोल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाओ रजिस्टर करो और जीतो ढेर सारे प्राइजेस। और इनका AAD अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें आस्क एनी डाउट एनी टाइम 24/7 हिंदी इंग्लिश में सॉल्यूशन मिलेगा HD में एंड मोर। एंड एट द एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू गाइस, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।